नमस्कार दोस्तों, इसरो की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, 15 जुलाई को इसरो का चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग पोस्टपोन कर दी गई थी। तो उसके बाद काफ़ी सारे अटकलें लगाई जा रही थी कि इसरो का चंद्रयान 2 लॉन्च होगा कि नहीं होगा, और कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या खराबी आई थी इंजन में, इंजन की खराबी कब तक सही होगा, कितने महीने लगेंगे। लेकिन दोस्तों ये सारी अटकलों पर इसरो ने लेकिन दोस्तों ये सारी अटकलों को इसरो ने दरकिनार करते हुए न्यू डेट चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग का सबके सामने रख दिए। जी दोस्तों, इसरो ने 22 जुलाई दिन मंडे समय 2:43 दोपहर को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो, चंद्रयान 1 इंडिया का पहला मिशन था, ये चंद्रयान 2 सेकेंड मिशन है, जिसमें इसरो का चैलेंज है कि चंद्रयान 2 को मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाए, वो भी दक्षिणी ध्रुव पर, जहां अब तक किसी भी कंट्री का न तो कोई सैटेलाइट गया है न कोई और उपग्रह गया है। जैसा आप सभी जानते ही होंगे कि चंद्रयान 2 अपने साथ दो सिस्टम लेके जा रहा है, एक विक्रम और एक प्रज्ञान। विक्रम वहाँ पे लैंडिंग करेगा, लैंडिंग करने के बाद वो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाने के बाद उसमें से एक रोबोटिक रोवर निकलेगा जिसका नाम प्रज्ञान है। वो वहाँ की ज़मीन और वहाँ का पानी, वहाँ का एनवायरनमेंट का टेस्ट करेगा और सारी तस्वीरें इसरो को भेजेगा, और इसरो हमको बताएगा कि चंद्रयान 2 से हमें क्या क्या मिला। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, वहाँ पर लैंडिंग इतनी खतरनाक है कि इसरो के जो चेयरमैन हैं वो बोल रहे हैं कि अगर इंडिया वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करवा लेता है तो इंडिया फोर्थ नेशन बन जाएगा सक्सेसफुली वहाँ पे लैंडिंग करवाने वाला। इसके पहले US, चाइना, रसिया बन चुके हैं दोस्तों। धन्यवाद।